दशक में एक्ट्रेस नीलम कोठारी बॉलीवुड का एक बड़ा नाम उभर कर सामने आई थी। यह उन अभिनेत्रियों में से एक रही हैं जिन्होंने अपने हर किरदार को बड़ी खूबसूरती से पर्दे पर पेश किया था। फिर चाहे बात हो हम साथ साथ हैं में संगीता के किरदार की या फिर दूध का कर्ज फिल्म में रेशमा के किरदार की। वैसे दोस्तों आप इनके बारे में तो सब कुछ जानते होंगे, लेकिन क्या आप इनकी खूबसूरत बेटी के बारे में जानते हैं कि वो कौन है, क्या करती हैं और कैसी दिखती हैं? नहीं ना, तो कोई बात नहीं, आज हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब देने वाले हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। बड़े मासूमियत के साथ लोगों के दिलों में राज करने वाली अभिनेत्री नीलम कोठारी का जन्म साल 1967 को हांगकांग में हुआ था। इनकी पढ़ाई आईलैंड स्कूल में हुई। नीलम ने साल 1984 में फिल्म जवानी से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस फिल्म में उनके साथ अभिनेता करण शाह थे। ये फिल्म फ्लॉप हो गई थी, लेकिन नीलम की खूबसूरती और अदाकारी की बहुत तारीफ भी हुई थी। भले ही जवानी फिल्म फ्लॉप साबित हुई हो, लेकिन नीलम के पास फिल्मों के ऑफर्स का ढेर लग गया था। उनकी अगली फिल्म थी इल्जाम, वही फिल्म जिससे अभिनेता गोविंदा ने डेब्यू किया था। वे सुपरहिट रही और उनकी गोविंदा के साथ जोड़ी भी। आगे दोनों ने ढेर सारी फिल्मों में साथ काम किया, जिसमें लव 86, ताकतवर, दो कैदी और हत्या जैसी फिल्मों के नाम शुमार हैं। इनके अलावा नीलम कोठारी ने एक लड़का एक लड़की, घर का चिराग और खतरों के खिलाड़ी जैसी बेहतरीन फिल्मों में भी अभिनय किया। साल 2001 में नीलम ज्वेलर्स के नाम से नीलम कोठारी ने अपना बिजनेस चालू किया। फिर उन्होंने नीलम कोठारी फाइन ज्वेलर्स के नाम से 25 अगस्त 2011 को मुंबई में अपना ज्वेलरी स्टोर लॉन्च किया। बात की जाए इनके निजी जीवन के बारे में, तो अभिनेत्री नीलम ने साल 2000 में इंग्लैंड के रहने वाले बिजनेसमैन ऋषि सेठिया से शादी की थी, जो ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई, जिसके बाद साल 2008 में उनकी मुलाकात टीवी एक्टर समीर सोनी से हुई। दोनों को एकता कपूर ने मिलवाया था। समीर भी उस वक्त तलाकशुदा थे। 3 साल एक दूसरे को डेट करने के बाद साल 2011 में दोनों ने शादी कर ली। बात करें इनकी खूबसूरत बेटी के बारे में, तो इन्होंने सितंबर साल 2013 में एक लड़की गोद ली थी, जिसका नाम अहाना रखा गया। अभी उनकी बेटी महज 8 साल की है और दिखने में बिल्कुल अपनी माँ की तरह खूबसूरत है, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख ही सकते हैं। अभिनेत्री नीलम और उनकी बेटी के बीच बेहद अच्छा बॉन्ड देखने को मिलता है। आपको बता दें कि इन दिनों उनकी बेटी पढ़ाई कर रही है। तो दोस्तों, आपको अभिनेत्री नीलम कोठारी की बेटी के बारे में जानकर कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और दिलचस्प बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बाय बाय।